बन गई हो। लेकिन उसे बेटा का सुख नहीं मिला। उसके घर जितने भी बच्चे जन्म लेते थे वो उसी दिन मर जाते। ऐसा होते होते कपूरावती काफी परेशान हो गई। इधर उसकी बड़ी बहन शीलवती को 7 बेटे हुए थे। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने महल में कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी दीदी के बेटों को देखकर धीरे धीरे कपूरावती रानी के मन में जलन का भाव पैदा होने लगा। उसने इसी जलन की वजह से अपने पति को कहकर अपनी दीदी के सारे बेटों के सिर कटवाकर एक बर्तन में रख दिए। उन सभी 7 बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी दीदी शीलवती के पास भिजवा दिया। भगवान जीवत्वाहन भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही सभी 7 भाइयों के सिर को